सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको मेरा घर देखना है, इसके बाद आपने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन बस एक ही चीज से भर दिया, हाँ चाहिए होम थिएटर, यस ब्रो, यस यस यस। अरे रुको जरा सबर करो, लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लो कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम है रमेश एंड मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव नवापुरा का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैंने कैमरे के सामने अभी तक ऐसा कोई फेस टू फेस वीडियो बनाया नहीं, लेकिन आप सबकी इतनी डिमांड पर मैं लेकर आ चुका अपना प्यारा सा छोटा सा होम थिएटर वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा घर एंड इसके सामने सबसे पहले दिखेगा आपको एक बड़ा सा ग्रीन पर्दा। इसे ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी यार बारिश होती है ना, तो बारिश का ज्यादातर पानी हमारे बरामदे में इकट्ठा हो जाता है, उसी को लेकर हमने ये जुगाड़ बनाया है। जैसे हम इंडियंस का तो दूसरा नाम ही जुगाड़ू है। तो गाइस ये है हमारे घर का मेन बरामदा, आगे की साइड में है दो रूम, एक ये वाला एंड एक ये वाला। बरामदे में घुसते के साथ ही सबसे पहले आपको दिखेगा हमारा राजस्थान का देसी फ्रिज, यानी कि हमारी ये मटकी। साइड में बनाई हुई है दो अलमारी टाइप, जिसमें से पहले में रखा है मेरा ट्राइपॉड, ईयरफोन एंड इधर की साइड में भाई कि कुछ किताब। दूसरे वाले में हमने किया पूरा लाइट का सेटलमेंट एंड यहाँ से हम अपने फोन चार्ज करते हैं। वैसे इसका भी काम तमाम हो चुका है, रुको दिखाता हूँ, ये देखो बरामदा तो आपने देख लिया, चलो अब आपको रूम दिखाता हूँ। हमारे पहले रूम में घुसते के साथ ही सबसे पहले आपको राइट साइड में दिखेगा एक बड़ा सा कोटा। हाँ भाई, हमारी भाषा में तो इसे कोटा बोलते हैं, बाकी आप क्या बोलते हो आई डोंट नो। ऊपर की साइड में भगवान जी का एक छोटा सा मंदिर जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, इस तरह रखे हैं। ऊपर की साइड में थोड़ा राशन का सामान, थोड़ी किताबें एंड और भी बहुत कुछ। ये रूम तो देख लिया, चलो अब मैं दिखाता हूँ अपना दूसरा रूम। तो दूसरे रूम में घुसते के साथ ही सबसे पहले आपकी नजर जाएगी हमारी प्यारी नीलम पर एंड इधर में तो पूरे खाट ही खाट रखे हैं। ऊपर की साइड में वही अपना कचरा पात्र। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं यहीं पर बैठकर अपना वीडियो एडिट करता। ये भी हो गया, चलो अब मैं दिखाता हूं आपको अपना चिकन रूम। हां मोदी जी, वाह, आई मीन किचन रूम। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से हमारा किचन रूम, बाहर से तो थोड़ा सही दिखता है, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप किसी काल कोठरी में घुस गए हो। एनीवेज ये है हमारा चूल्हा जहां पर खाना बनता है एंड इस साइड में कुछ राशन का सामान। यही है हमारा छोटा सा घर। सब कुछ तो आपने देख लिया, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना राजमहल। तो ये देखो गाइस, राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पर आपको हर घर में एक ऐसा तो जरूर देखने को मिलेगा। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर एंड ये हमारे घर का आगे का व्यू। ये था हमारा छोटा सा होम थिएटर, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।